हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक एरर का सॉल्यूशन करेंगे कि जब हम अपनी किसी वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आता है, देर इज़ नॉट इनफ मेमोरी और डिस्क स्पेस टू रन वर्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, वहां आपको रन लिखना है। रन लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है परसेंट ऐप डेटा परसेंट और फिर ओके करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के बाद आपको टेम्पलेट्स में जाना है। टेम्पलेट्स ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल और नॉर्मल प्री के नाम से दो फाइलें मिल रही होगी, तो बस आपको इनका नेम चेंज करना है। जैसे नॉर्मल है तो इसे ओल्ड नॉर्मल, और नॉर्मल प्री है तो इसे ओल्ड नॉर्मल प्री करना है। मतलब फाइल जो है उसको आगे ओल्ड लगाना है। फिर आप इसे क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए और वापस अपनी वर्ड की फाइल को ओपन करके देखिए, आसानी से ओपन होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।